क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद कर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाए

पिछले लेक्चर में आपने देखा बेटा कि हमने ऑस्मोसिस के बारे में डिफ्यूजन के बारे में काफी कुछ समझा हमने और आपने जब एमसीक्यू लगा के देखे होंगे तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे से एमसीक्यू वहां पर देखने मिले होंगे आपको ठीक है ना और हमारा पर्पज यही कि, कि कोई भी एमसीक्यू बुक हम लगाए हमारे मैग्जिम एमसीक्यू से बनना चाहिए बेटा ठीक है ना क्लियर तो आज के लेक्चर में आप लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा समझिएगा और उसके बाद फिर मैं आपको आज भी कुछ एमसीक्यू लगवाऊंगा तो एक काम करते हैं हम पहले लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद फिर से मिलते हैं जब हम एमसीक्यू को लगाएंगे हम ठीक है बेटा चलो हेलो कमेंडोज वेलकम टू बायोमेटिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम अभी तक देख चुके हैं क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तो हमने देखा था कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमने कहा था ट्रांसलोकेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और जायलम और फुलइम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है अब तक हमने देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है ऑस्मोसिस क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है एग्जो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है एंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है ठीक है तो कई सारे कोर कॉन्सेप्ट को हमने अभी तक समझा तो फिजिकल फोर्सेस में थोड़ा सा बेटा हम और आगे बढ़ते हैं ठीक है लेकिन उसके पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा आपके सामने एक तस्वीर है एक इमेज है पहचानिए ये इक्विपमेंट क्या है ठीक है यानी हमने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमने जो है एक पोटेटो को आलू को लिया हमने आलू को छील दिया हमने बीच का गूदा हटा दिया उसका हमने बीच का हिस्सा हटा दिया और उसकी वॉल को रखा हमने और ऐसे हमने एक इक्विपमेंट तैयार किया इस इक्विपमेंट का नाम क्या है आप बताएंगे के ठीक है नेम क्या है इसका ये बताएंगे के एंड वॉट इज दर्पस टू क्रिएट इट इसको क्रिएट करने, करने का पर्पज़ क्या है किस फिनमिना को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं इससे हम है? क्लियर ठीक है चलिए आप फिर हमने बेटा पिछली क्लास में बात की थी हमने कि ऑस्मोटिक प्रेशर की और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात की थी हमने के हमने कहा था कि प्योर सॉल्वेंट को यदि एक सोल्यूशन से हम अलग करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में इंटर करने की कोशिश करेगा तो यदि हमें सॉल्वेंट को प्योर सॉल्वेंट को जो है सॉल्यूशन में इंटर होने से प्रवेश करने से रोकना है तो सॉल्यूशन के ऊपर किसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर एक हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा और उस प्रेशर का मान जब इतना होगा कि वो सॉल्वेंट के अंदर आने वाले दबाव के बराबर होगा तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक जाएगा और उस बाहरी दबाव को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे ठीक है क्लियर आपके सामने बेटा एक सेल का स्ट्रक्चर है इसमें मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में हमने देखा था एज पर एनसीईआरटी भी हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और टोनोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और टोनोप्लास्ट तीनों मिलकर जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन के समान व्यवहार करते हैं जो कि होती है ऑस्मोटिक बैरियर की जो कि एक परासरणी बाधा होती है यही वो मेम्ब्रेन होती है जिसके आर-पार सेंट्रल वैक्यूल से वाटर बाहर निकलता है या सेंट्रल वैक्यूल में वाटर अंदर आता है ठीक है क्लियर फिर अब आपको बताना है कि यहां पर दो बेटा हमने लेवल किए हुए हैं लेवल ए ए और बी ठीक है ए और बी दो पिन लगे हुए हैं ठीक है ठीके? ए और बी दो पिन लगे हुए हैं, बाकी हमने पूरा इक्विपमेंट आपको दिया हुआ है तो पिन ए क्या बतलाता है और पिन बी क्या रिप्रेजेंट करता है ये आप बताएंगे आपको ये बताना है कि पिन ए एक ऑल एक पिन लगा है ए एक ऑल पिन लगा है बी के, तो ये पिन क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको बतलाना है ठीक है क्लियर चलिए अब एक बात तो क्लियर है हमें कि हमारे को हमको मालूम अच्छे से कि स, जो टोनिसिटी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू सेल के यदि एक सेल की तुलना में आउटर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे क्लियर यदि एक सेल की तुलना में बाहरी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे और बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे जब बराबर होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बेटा क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन वर्ड का यूज करेंगे ठीक है जब एक सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वाटर क्या सेल के अंदर जाएगा कि सेल से बाहर निकलेगा के हमने क्या किया बेटा हमने एक बीकर लिया उसमें हमने एक सेल को लिया हमने इस सेल को हमने जो है वो हाइपर टॉनिक सॉल्यू इसको हमने हाइपर टॉनिक सोल्यूशन में रखा हमने तो सिंपल सी बात है कि चूंकि हाइपरटॉनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सेल की तुलना में बाहर के सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है तो वाटर कहां से कहां निकलेगा हमको मालूम है वाटर जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से निकलता है और वो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करता है किसकी बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की बात कर ठीक है क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में मोर वाटर होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में लेस वाटर होगा तो वाटर जो है वो अपने अधिक से अपने कम की ओर जाता है मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन से वो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की मूव करता है यदि बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो वाटर सेल से बाहर निकलेगा जो वाटर सेल से बाहर निकलेगा प्रोसेस को बोलोगे आप एग्जो ऑस्मोसिस एग्जो मतलब बाहर निकलना सेल के बाहर निकल रहा है एग्जो ऑसम बोलेंगे तो सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा वॉल्यूम घटेगा ठीक है तो इसका मतलब सेल के अंदर जो प्लाज्म है सेल के अंदर जो प्लाज्म या लिक्विड है तरल प्लाज्म इज ए कॉमन वर्ड के तरल है जो लिक्विड है वो उसका उसमें गेन होगा कि लॉस होगा आप बोलोगे कि सर यदि एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल से वाटर बाहर निकलेगा मतलब उसका प्लाज्म उसका वाटर कंटेंट का लॉस होगा तो आपने क्या वर्ड यूज किया आपने वर्ड यूज किया प्लाज्मोलाइसिस ठीक है तो कंफ्यूज मत होना प्लाज्मोलाइसिस की घटना केवल आपको तब देखने मिलेगी जब आप एक प्लांट सेल को जब एक प्लांट सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे ठीक है ना क्लीज क्लियर देखते हैं प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन जब एक प्लांट सेल को हम हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो ये एग्जो ऑस्मोसिस को दर्शाती है और ये बिल्कुल सिंपल सा बेटा ऑस्मोसिस का नियम का फॉलो फौल कर रही है सिंपल सा नियम है तो ठीक है जब एक प्लांट सेल को हमने क्या किया बेटा हमने हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में रखा तो वॉटर सेल से बाहर निकला एग्जो ऑस्मोसिस हुआ थके? ठीक अब होता क्या है देखो सिंपल सी बात है कि मैंने क्या कहा आपसे मैंने आपसे कहा कि ये है सेल वॉल समझते ये एक प्लांट सेल की सेल वॉल है ठीक है सेल वॉल क्या होती है दृढ़ होती है मजबूत होती है ठीक है वॉल तभी तो वर्ड यूज किया हमने वॉल वर्ड यूज किया सेल वॉल जो है वो मजबूत होती है दीवार के समान होती है के और आजू बाजू वाली सेल से जो प्राइमरी वॉल है वो उससे वो जो है विद हेल्प ऑफ मिडिल लेमिला बाजू वाली सेल से भी जुड़ी होती है के तो सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर ठीक है फिर इसके अंदर क्या देखा हमने कहा यह है सेल मेमब्रेन सेल वॉल के ठीक अंदर जो है हमने कहा यह है सेल मेमब्रेन है ये ठीक है है ना बीचों बीच बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूलस में ठीक है है ना और ये सब क्या है से, सेंट्रल वैक्यूल की मेमब्रेन क्या टोनोप्लास्ट होती है सेल में इसके बीच में ये क्या है ये पूरा का पूरा जो है वो हमने कहा कि ये पूरा का पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ठीक है इसके अंदर ये हो गया इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है ठीक है क्लियर नॉर्मली प्लांट सेल ऐसी होती है इसमें कोई डाउट नहीं है सेल वॉल सेल मेम्रेन ठीक है साइटोप्लाज्म टोनोप्लास्ट के और अंदर है सेंट्रल वैक्यूल के अब इस प्लांट सेल को आपने समझिए समझिए इस प्लांट सेल को आपने रख दिया है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में आपने इसको हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रख दिया आपने तो क्या होगा वाटर प्लांट सेल से वाटर बाहर निकलेगा ठीक है H2O टू प्लांट सेल से बाहर निकलेगा

तो गुब्बारा पूरा फूल गया है वो कार्डबोर्ड की वॉल से टच हो गया अब उसके ऊपर आप हवा डाल नहीं सकते वो ऑलरेडी कार्डबोर्ड की वॉल से टच हो चुका है का, है 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 ठीक कार्डबोर्ड टफ मजबूत क्लियर तो आपने गुब्बारे को पूरा फुला दिया ठीक है तो जो गुब्बारे की जो वॉल है जो आपके बलून की जो वॉल है वो कार्डबोर्ड की वॉल से टच करेगी कि नहीं करेगी करेगी ना पूरा फुलाने पटके है ना अब क्या किया आपने आपने इस गुब्बारे की आपने इस गुब्बारे की थोड़ी सी हवा बाहर निकाल दी आपने इस गुब्बारे की थोड़ी सी हवा बाहर निकाल दी तो क्या हो गया अब आप ये हो गया कि आपका गुब्बारा जो है वो थोड़ा साइज में छोटा हो गया गुब्बारा थोड़ा सा साइज में छोटा हो गया तो अब कैसा हो गया गुब्बारा ऐसा हो गया तो क्या अब ये कार्डबोर्ड की बॉल को टच कर रहा है आपने कहा सर थोड़ी हवा निकाल दी हमने तो इसने कार्डबोर्ड की बॉल को छोड़ दिया इसने ठीक है ये भी हमको बात समझ में आई चलिए थोड़ी और हवा निकाल देते गुब्बारे की थोड़ी और हवा निकाली गुब्बारे की हमने तो क्या हुआ गुब्बारे का साइज और छोटा हो गया गुब्बारे का साइज और छोटा हो गया ये गुब्बारे का साइज और छोटा हो गया ठीक है क्या अब ये वॉल के टच कर रहा है नहीं टच कर रहा है आपने कहा सर आपने हवा निकाल दी इसलिए साइज छोटा हो गया उसका वो कोने में आ गया गुब्बारा ठीक है क्लियर बिल्कुल वैसे इस गुब्बारे में आप हवा भर रहे थे ऐसे समझ लीजिए कल्पना कीजिए कि सेल वॉल जो है वो एक बॉक्स के समान है सेल वॉल इज लाइक ए बॉक्स एक बॉक्स के समान है उसमें जो जो सेंट्रल वैक्यूल है वो गुब्बारे के समान है सेंट्रल वैक्यूल में खूब सारा वाटर भरा हुआ था तो सब पूरी सेल फुली हुई थी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को टच कर रही थी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को टच कर रही थी ठीक जैसे ही आपने वॉटर को बाहर निकाला तो जैसे आपने गुब्बारे की हवा निकाली थी ऐसे ही आपने सेंट्रल वैक्यूल से वॉटर को बाहर निकाला थ्रू द एग्जोस्मोसिस सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल को छोड़ दिया साइज छोटा हो गया ना थोड़ा इसे क्या बोला आपने आपने बोला इसको कुंचन हिंदी में, इसको बोलते कुंचन। बोलते में के। तो इंसिपियन प्लाजमोलिस में क्या होता है वाटर कंटेंट ऐसी कम हुआ तो सेल में वॉल को धकाना छोड़ दिया उसका संपर्क वहां से हट गया ठीक है क्या लिखा देखते हैं टू बिगिन विद शुरुआत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेचेज इट सेल फ्रॉम दि सेलवॉल सेल को आपको सेलवॉल से अलग कर लेती है और इस अवस्था को हम बोलते हैं इंसिपियंट प्लाज्मोलिस बोलते हैं इसे इसे हम, इसे हिंदी में इसको बोलते हैं आरंभिक हिंदी में बोलते हैं आरंभिक जीव द्रव्य कुंचन ठीक है पर यार इंग्लिश वर्ड याद रखना ठीक है, ठीक है इंसिपियंट प्लाज्मोलिस आरंभिक जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं वैक्यूल डिक्रीजेस इन इट साइज एंड फाइनली बिकमस्टिंग जो वैक्यूल होते हैं उनका साइज धीमे धीरे छोटा है और अंत में दिखाई देना बंद हो जाते हैं, वो इतने जाते हैं और इस अवस्था को बोलते हम इविडेंट प्लाज्मोसिस बोलते हैं अवस्था को हम इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं जब वैक्यूल का साइज बिल्कुल छोटा हो जाए दिखाई ना देने गुब्बारे की पूरी हवा निकाल दी तो आप क्या बोलोगे गुब्बारा फुल नहीं अब तो ठीक है तो एक बात मतलब होता है कि पूर्ण जीवद्रव कुंचन के पूर्ण दृश्य जीवद्रव कुंचन के इविडेंट प्लाज्मोलिस कहते हैं इसको क्लियर चलिए देखिए सिंपल सी बात है एक सेल को हमने हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा एक सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो उससे एग्जो ऑस्मोसिस हुआ और उससे वाटर का लॉस हुआ सेंट्रल वैक्यूल का छोटा हुआ तो हमें प्लाज्मोलिसिस देखने में लटके आपको बता दूं मैं कि आपके घरों में जो मम्मी है ना मम्मी बहुत बड़ी साइंटिस्ट है आपके घर में आपकी मदर वो बड़ी साइंटिस्ट है आपकी दादी भी बड़ी साइंटिस्ट है कैसे घर में आपने देखा होगा अचार बनता है मुरब्बा बनता है ठीक है ना तो ये अचार बनता है मुरब्बा बनता है जेम बनता है ठीक है बाहर से मान लो मार्केट से जैम लेके के. तो इसके अंदर क्या खास बात है कि ये, ये कई दिनों तक कई महीनों तक ये खराब नहीं होता है कारण यह है कि अचार के अंदर अचार के अंदर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है अचार के अंदर अचार के अंदर बड़ी मात्रा में नमक होता है मसाले होते हैं सॉल्ट होता है स्पाइस होते हैं और उसके चलते क्या होता है अचार का जो 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 आप आपको ध्यान रखना मम्मी हमेशा बोलती है कि बेटा यदि अचार को खराब होने से बचाना है तो उसको घुमाते रहा करो उठ के कुछ कुछ दिनों में घुमा दे बड़ी बड़ी बॉम्बे में तो देखने नहीं मिलती है पर मुझे अच्छे ध्यान है जब मैं कभी अपने चाचा जी के यहां जाता हूँ या आ, नेटिव प्लेस जाता हूँ विदिशा के पास एक छोटा सा गांव है वहाँ पे हमारे ताऊ जी चाचा जी लोग रहते हैं कभी जाता हूँ देखता हूँ कि उनके पास में वो अचार की बड़ी बड़ी बर्नियाँ होती हैं बकायदा वो ऊपर से लगा के कपड़ा लगा के पैक किए होते हैं लेकिन वो बर्नी को जो है वो दो चार दिन में ऐसे हिलाते रहते हैं उसको मैंने पूछा एक बार कि क्यों ऐसा करते हो तो उन्होंने बताया नहीं इससे अचार खराब नहीं होता है साइंटिफिक रीजन वो नहीं दे पाए पर उन्होंने कहा हिस्सा आचार खराब नहीं होता है कारण ये है कि यदि आप सॉल्यूशन को जो है यदि वो ऐसा एजिटिज रखा रहेगा कई दिन तक तो धीमे धीमे क्या होगा कि मोर कॉन्सेंट्रेट हिस्सा नीचे जाएगा और ऊपर का हिस्सा लेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और ऊपर के लेस कॉन्सेंट्रेट हिस्से में बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो क्या होता है अचार को आप हिलाते हो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन पूरे अचार में मेंटेन रहता है और उस इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है कि उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बैक्टीरिया मर जाते हैं ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस वाटर कंटेंट उनका बाहर निकल जाता है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो क्लियर ठीक है के अंदर भी यही होता है जेली के अंदर भी यही होता है और यही मुरब्बा के अंदर होता है मुरब्बे में क्या होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर होता है जेम के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर होता है इसलिए वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है तो जो प्लाज्मोलिस है इसका इस्तेमाल हम अपनी रूटीन लाइफ में कई लंबे समय से करते चले आ रहे हैं ठीके? ठीक है ठीक तो देखिए हम समझ गए बात को कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा वाटर बाहर निकला फाइनली सेल ने सेल वॉल को छोड़ दिया और एक कॉर्नर कॉर्नर में प्रोटोप्लाज्म आ जाता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं जो है वो कहते हैं अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि ये तो हो गई सेल ये सेल है ठीक है फिर ये देख रहे हो आप ये है सेल वॉल देख रहे हो सेल सेलवॉल के तो ये सेल और सेल वॉल के बीच में यहां पे यहां पे कौन सा लिक्विड प्रेजेंट रहेगा ठीक है ध्यान दीजिएगा सेल वॉल एक ऑस्मोटिक बैरियर नहीं होती है सेल वॉल फ्रीली परमिबल होती है मुक्त पारगम होती है इसलिए जब कभी कोई प्लाज्मोलाइज सेल होती है प्लाज्मोलाइज कोशिका होती है प्लाज्मोलाइज सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन बोल सकते हैं वो पाया जाता है क्योंकि वो उसको तो कोई रोकेगा नहीं ना वो तो सेल वॉल से अंदर आ सकता है आसानी से ठीक है देखिए आप देख रहे हैं एक नॉर्मल सेल के आप देख रहे हैं एक नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रॉपर वाटर कंटेंट है वो आपको दिखाई दे रही है इमेज में आप देख रहे हैं एक सामान्य कोशिका इसमें नॉर्मल वाटर कंटेंट है वो आपको दिखाई दे रही है जब इसी को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या हुआ देखिए इसी को हमने हाइपर टॉनिक सोल्यूशन रखा था आप देख रहे हैं खाली खाली हो गया पहले पूरा हरा हरा दिखा के क्या हुआ कि जो हिस्सा था वो सेल वॉल को छोड़कर प्रोटोप्लाज्म एक हिस्से पर कॉन्सेंट्रेट हो गया तो प्रोटोप्लाज्म आपको आपको चूंकि ग्रीन पिगमेंट है अंदर प्रेजेंट उसके तो आपको डार्क डार्क दिखाई पड़ रहा है लेकिन बाकी जगह खाली खाली दिखाई पड़ रही है वहां पर वाटर प्रेजेंट है ठीक है चलिए देखिए आप देख रहे हैं यह हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तस्वीर देख रहे हैं हमने क्या देखा हमने देखा कि नंबर एक पहली जो सेल कि जो सेल नंबर वन, वन है यह नॉर्मल सेल है यह नॉर्मल सेल को शो करता है ठीक है इस सेल में क्या हो रहा है इस सेल में आप देख रहे हैं इंसिपियंट इंसिपियंट प्लाज्मोलिसिस देखने मिल रहा है आपको और इसमें इविडेंट प्लाज्मोलिसिस

आप देख रहे हैं एक नॉर्मल प्लांट सेल दे, देखो बेटा ये जो मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूं ना ये ड्रा की इमेज नहीं है ये, ये एक्चुअल हम देख रहे हैं हमने जो है वो तो प्लांट सेल को हमने जो हमने किया, तो आप है नॉर्मल कंडीशन में सेल है जब इसको हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में शिफ्ट किया तो क्या हुआ देखिए ऐसा हो गया है ना मतलब जो है वो देखिए ना कितना फर्क कि, है कि, 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 नॉर्मल सेल है और ये प्लाज्मोलाइज सेल है ठीक है हालांकि प्लाज्मोलिस जो है वो इनिशियल कंडीशन में रिवर्सिबल होती है यदि प्लाज्मोलाइज होने पर आपने सेल को उठा के तुरंत हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया या प्योर सॉल्वेंट में डाल दिया तो वाटर उसके अंदर जाएगा वापस सेल नॉर्मल हो जाएगी भाई ऑस्मोसिस का नियम है वाटर अंदर जाएगा जब बाहर का सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेशन का होगा या प्योर सॉल्वेंट होगा तो वो सेल के अंदर जाएगा तो ये सेल वापस से नॉर्मल हो जाएगी इस चीज को हम डी प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम डी प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं वी जीवद्रव कुंचन कहते हैं ठीक है ठीके? लेकिन लंबे समय तक यदि प्लाज्मोलिसिस की अवस्था बनी रहती है तो फिर सेल मर जाएगी ठीक है देखिए है ना आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज देख रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें कि सेलवॉल है और देखो ये क्या है ध्यान से सुनो के ये 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 है wall, ये है 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 सेल दिस दिस इज दिखाई दे रहा और सेलमेम्रेन जिसने सेलवॉल को छोड़ दिया है क्योंकि यहां पर प्लाज्मोलिसिस हो चुका है ठीक है ये एक प्लाज्मोलाइज सेल को रिप्रेजेंट करता है ठीक है ठीक तो देखो बेटा क्या देखा हमने एक प्लांट सेल को यदि हम हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो इनिशियली क्या दिखाई पड़ेगा हमें इनिशियली होगा ये इंसिपियंट प्लाज्मोलाइसिस ठीक है जब लंबे कंडीशन ऐसी बनी रहेगी तो ये हो जाएगा यहां पर इविडेंट प्लाज्मो लाइसिस ठीक है ना क्लियर ठीक है ठीक है बेटा चलिए क्या लिखा देते हैं द प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रेक्टेड इनटू एन अनडिफ्रेंशिएटेड मास वेन प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड दिस इज नोन एज प्लाज्सिस ठीक है देखिए देखा था हमने यहां पे हमने क्या देखा था हमने देखा था

सेल वॉल दी ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा गया है इन ए प्लाज्लाइज सेल दस बिटवीन सेलवॉल एंड सेलमेम्रेन इज बाय बाई प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन जो कि क्या होता है जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ठीक है जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ठीक है याद है बेटा रखना बेट के इंपॉर्टेंट र स्पेस बिटवीन सेल ने एक प्लाज्माइज सेल में सेलवॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह में प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन भरा होता है जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि बेटा सेलवॉल इज नॉट ऑस्मोटिक ऑस्मेटिक सेलवॉल जो है परासरणी बाधा नहीं होती है उससे कोई भी सोलिट या सॉल्वेंट अंदर आ सकता है ठीक है वह प्लाज्माइज सेल प्लांट सेल प्लस इन सोल्यूशन इट सेल को नॉर्मल सॉल्वेंट में रख दें आप या, या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो वाटर सेल के अंदर दोबारा से अंदर आ जाएगा और वाटर अंदर आएगा और सेल हो जाएगी वापस से नॉर्मल के इस चीज को बोलेंगे हम डी बोलते हैं ठीक है याद रखिएगा बेटा ट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोप्टाइसिस कई बार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते लगते हैं और एग्जाम में हम जल्दी से पढ़ के गलती कर बैठते हैं हमके तो प्लाज्मोप्टाइसिस क्या होता है इट इज नॉट प्लाज्मोलिस इट इज प्लाज्मोप्टाइसिस के जब आरबीसी को रेड ब्लड सेल को हम जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तब रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी फूल कर फट जाती है यानी आरबीसी गेट सोलो सोलो सोलोन एंड गेट बस्ट के आरबीसी फूल जाती है और फट जाती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में उसको प्लाज्मोप्टाइसिस कहते हैं क्या बोलते उसको प्लाज्मोप्टाइसिस कहते हैं नॉट प्लाज्मोलिसिस ठीक है तो कंफ्यूज मत करना ध्यान से पढ़ना ठीक है बैक्टीरिया डू नॉट सर्वाइव इन सॉल्टेड पिकल्स एंड जैम बिकॉज दे गेट प्लाज्मोलाइज के बैक्टीरिया जो है वो अचार में और जैम में जीवित नहीं रह पाते क्योंकि वो उनमें प्लाज्मोलिसिस होता है ठीक है याद रखिए पूरे के पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है एक जीव ऐसा है जिस पर ऑस्मोसिस का असर नहीं पड़ता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले मीडियम के अंदर भी रह सकता है और वो है माइक्रो प्लाज्मा के वेरी वेरी आई एम पी के माइक्रो प्लाज्मा ऑस्मोटिकली रेजिस्टेंस होते हैं दे कैन सर्वाइव इन हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इसलिए जब प्लांट सेल के अंदर माइक्रो प्लाज्मा इन्फेक्शन करते हैं ना तो आपको पता है माइक्रो प्लाज्मा प्लांट सेल में कहा रहता है फ्लोएम में जाकर रहता है में हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन होता है पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है थाके? ये ऑस्मोटिकली रेजिस्टेंस होता है ठीक है स्पाइरो एक ग्रीन एलगी है याद रखिएगा बेटा कुछ बातें कि स्पाइरो जो है वो एक ग्रीन एलगी है इट्स से ग्रीन के एक जमाने में ये एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट एल्गी रही है वगैरह एक जमाने में एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट एलगी रही है और इसमें चूंकि स्पायरल शेप का क्लोरोप्लास होता है इसकी सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास होता है वो स्पायरल शेप का होता है रिबन शेप का होता है इसको स्पाइरो फ्रेश वॉटर एलगिट इज ग्रीन एलगी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर ये स्वच्छ जल में नदी में मिलने वाली झीलों में झीलों में मिलने वाली जो है वो झील या पौंड के अंदर और लेक के अंदर मिलने वाली ग्रीन एलगी होती है इट्स ए फ्रेश वाटर ग्रीन एलगी जब इसको आप समुद्र के पानी में लगाते हो ना तो ये मर जाती है क्योंकि जैसे आप इसको मेराइन वाटर में शिफ्ट करोगे तो इसके अंदर चूंकि ये फ्रेश वाटर की अलगी है तो इसके अंदर से वाटर बाहर निकलेगा क्योंकि सी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है तो ये प्लाज्मोलिसिस से मर जाती है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था पहले एग्जाम में तो दिमाग में रखना है तो स्पायरो कैन नॉट ग्रो इन सी बिकॉज सेल्स गेट प्लाज्माइज स्पाइरो समुद्र में वृद्धि नहीं कर पाती क्योंकि उसकी शिकाओं में प्लाज्मोलिसिस हो जाता है तो एक नॉलेज मिला हमें कि जो फ्रेश वाटर प्लांट होते हैं उनको आप समुद्र के अंदर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसका कारण यह है कि समुद्र के अंदर सी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है वाटर का ठीक है क्लियर अब जो भी हमने पढ़ा प्लाज्मोलिसिस के बारे में उसके बारे में आपकी बुक एनसीआरटी में क्या लिखा है एक बार हम उसको ध्यान से देख लेते हैं कि ठीक है क्योंकि देखो बेटा मैंने पहले भी कहा एनसीआरटी का एक एक पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए और एक पूरी क्लास भी लेते हैं ये कि एनसीआरटी में कई सारी बातें लिखी हुई है तो कई लोग जो कहते हैं आपसे एनसीआरटी पढ़ लो एनसीआरटी पढ़ लो तो एक्चुअली वो कहते हैं एनसीआरटी समझ लोक वर्ड को ठीक कीजिए एनसीआरटी समझ लो बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीआरटी क्या है एनसीआरटी का मतलब क्या उसको समझ लो ठीक है एक बड़ी नॉर्मल सी मैं आपसे बेटा बात बोलूँगा कि क्या होता है जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको जो ये महीने होते हैं जिन महीनों में आप आप जो है एग्ज़ाम के पास होते हैं चार पाँच छः महीना बचा होता है एग्ज़ाम को उस समय कई बार हमको जो है वो थोड़ा सा मन भारी होता है हमारा कई बार हमको हारा हुआ सा लगता है कई बार लगता है हमको कि हम इतना आगे निकल गए पीछे का सब भूलते चले जा रहे हैं कैसे होगा क्या होगा अटके तो मैं क्लियर कर दूँ बेटा यदि आपको ऐसा लग रहा है ना तो आप एकदम नॉर्मल हैं और आप सेलेक्ट होंगे जरूर होंगे कारण ये कि जिसको ऐसा नहीं लग रहा है मतलब उसने अभी तक एग्ज़ाम की गंभीरता को महसूस ही नहीं किया अटके यदि आपको वाकई में आप सिंसियर हैं गंभीर हैं तो आपको निश्चित तौर पर थोड़ी सी घबराहट हो रहा लाजमी है स्वाभाविक है लेकिन उसको लेकर आप जो है चिंता नहीं करें आप केवल अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। मैं हमेशा कहता हूं कमांडो से कि बेटा बिहेव लाइक मशीन के आपको मैंने एक टास्क असाइन किया है कि आपको एग्जाम में फोड़ कराना है निकल कर दिखाना है ठीक है तो आपको अपने आप को एक मशीन इमेजिन करना है मशीन की भावनाएं इमोशंस नहीं होते हैं मशीन के पास टास्क होता है और उसे करने का करने की लगातार मशीन कोशिश करती है ठीक जब आप मशीन के समान जो है लगातार मेहनत करेंगे आप जो है वो बग़ैर सोचे परिणाम के सोचे कि क्या होगा बाद में क्या होगा मेरे इमोशंस का क्या होगा मेरे संबंधों का ये सब मत सोचिए ये वक्त नहीं है ये वक्त है कैरियर का ये वक्त है आपके जीवन को एक नई दिशा देने का आप जीवन के उस मोड पर हैं जहां से आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं ऊपर की ओर या नीचे की ओर चॉइस इज यू के तो हमको ऊपर लॉन्च होना है हमको अपने अपने समाज में अपना स्थान ढूंढना है कि हमें हाँ क्या कि आप आज मेहनत करेंगे तो आगे आने की तो उसके मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के पांच साल के बाद में आप जो है साढ़े पांच साल के बाद में आप डॉक्टर होंगे समाज में आपको एक दर्जा मिल चुका होगा एक आपका रुतबा होगा समाज में आपकी एक पहचान होगी और वो पहचान उसका ही संघर्ष सारा ये सारा संघर्ष केवल उस पहचान के लिए चल तो देखते हैं हम क्या एन में क्या लिखा है बिहेवियर ऑफ दी प्लांट सेल और टिश्यूज विथ रिगार्ड टू वॉटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन बिल्कुल सही बात है ठीक मतलब एक प्लांट सेल या टिश्यू का जो व्यवहार होता है वाटर के प्रति वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके आसपास का किस तरह का सॉल्यूशन प्रेजेंट है ठीक यदि एक्सटर्नल्स बाहर का सॉल्यूशन उसके कॉन्सेंट्रेशन उसके साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा तो आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे हम ऑलरेडी पड़ चुके हैं इसको यदि बाहर का सोल्यूशन एक्सटर्नल सोल्यूशन अधिक डाइल्यूट होगा एस कंपेयर टू साइटोप्लाज्म तो हाइपोटॉनिक बोलेंगे मोर कॉन्सेंट्रेट होगा तो क्या बोलेंगे हाइपोटॉनिक बोलेंगे हम क्लियर ठीक है जब सेल को आप हाइपो जब जब सेल को आप हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रखोगे तो वाटर सेल के अंदर जाएगा एंडो ऑस्मोसिस होगा तो सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा सेल फूल जाएगी इसके उसी सेल को यदि आप हाइपरटोनिक में रखोगे तो सेल का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा सेल का आकार छोटा हो जाएगा इसे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि इस समय सेल श्रिंक हो गई है ठीक है प्लाज्मोलिस कब होता है बेटा जब एक सेल से वाटर बाहर निकलता है मतलब यह है कि सेल मेमब्रेन सेल वॉल को छोड़ देती है श्रिंक हो जाती है वो तो देखिए क्या लिखा है देखो एनसीआरटी के लैंग्वेज पढ़ लो प्लाज्मोलिस ऑकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल प्लाज्मोलिसिस तब होता है जब वाटर सेल से बाहर निकलता है एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल देखिए क्या लिखा है सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो संकुचित होकर सेल वॉल से अलग हो जाती है ये क्या है इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस के दिस ऑकर्स व्हेन द सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक टू द प्रोटोप्लाज्म के ऐसा कब होगा जब हम एक सेल को या टिश्यू को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उससे वाटर बाहर निकलेगा तब हमको प्लाज्मोलिसिस देखने मिलेगा ठीक है एनसीईआरटी का ही बेटा इमेज है बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज है के कई बच्चों के दिमाग में बहुत सारा एक क्वेश्चन उठा ये कि सर ये तो बात समझ में हमको आती है कि यदि सेल को आपने हाइपरटॉनिक यदि सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल से वाटर बाहर निकला एक्सो ऑस्मोसिस हुआ तो सेल का वॉल्यूम छोटा हो गया प्लाज्मोलाइज यह बात हमको बिल्कुल समझ में आती है ठीक है सेल को यदि हमने जो है वो हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हमने तो सेल में एंडो हुआ वाटर अंदर आया तो सेल का वॉल्यूम बढ़ गया सेल टर्जिड हो गया यह भी समझ में आता है लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हैं इसको लेके ठीक है उनके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर आप खुद पढ़ाए थे और आप बोले थे आप बेईमानी करते हो कई बार आप खुद बोले थे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर सेल के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जितना वाटर सेल के अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा तो फिर यहां पर फ्लैसिड क्यों लिखा हुआ है यहां पे नॉर्मल सेल क्यों नहीं लिखा है जबकि एनिमल सेल का आपने इमेज दिखाया था वहां नॉर्मल सेल लिखा था यहां पर फ्लैसिड क्यों लिखा आपने क्योंकि दिस कारण उसके पीछे ये बेटा कि याद रखना जब एक सेल को हम एक प्लांट सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो प्लांट सेल उस अवस्था में जो है जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही वाटर जो है वो बाहर आ रहा है सेम लेकिन उसके बावजूद प्लांट सेल थोड़ा सा मा, मामूली अमाउंट में वाटर अंदर लेने की कोशिश करती है उसके कारण यह है कि प्लांट सेल की मेटाबॉलिज्म में वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्लांट सेल जितने भी फंक्शन करती चाहे वो फोटोसिंथेसिस तो करे फोटो के तो वैसे फंक्शन में जो है लगातार वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो मेटाबॉलिक लेवल पर प्लांट सेल कई सारे वाटर का इस्तेमाल कर रही होती है इसलिए थोड़ा सा वाटर हमेशा अंदर लगातार आता रहता है ठीक है तो ऐसा नहीं है जिससे मैंने आपसे कहा कि दस वाटर बोल अंदर आए तो दस बाहर निकल जाना चाहिए आइसोटोनिक सोल्यूशन में पर एक्चुअली ट्रूली होता है कि दस अंदर आते हैं, नो बाहर निकलते हैं एक वॉटर लिया जाता है ठीक है? तो वैसी कंडीशन में प्लांट सेल को उसको थोड़ी सी वाटर की रिक्वायरमेंट हर समय रहती है ने साफ साफ ये इमेज दे रखा है और थ्योरी में भी कर रखा है इस चीज को तो दिमाग में रखना है कंफ्यूज नहीं होना है क्लियर चलिए क्या लिखा है वाटर मूव्स आउट वाटर बाहर निकलता है इट इज फर्स लॉ फ्रॉम द साइटोप्लाज एंडल के जब वॉटर बाहर निकलता तो बट ऑब्वियसली बात है जो सबसे पहले होगा पहले साइटोप्लाज का वॉटर थोड़ा कम होगा फिर सेंट्रल वेक्यूल का वाटर कम होने लगेगा ठीक है दॉटर वैन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन इंटू दी एक्स्ट्रा सोलर फ्लूड कॉजेज द प्रोटोप्लाज टू सिंक अवे फ्रॉम दॉल्स के जैसे ही एक प्लांट सेल से वाटर बाहर निकलता है तो प्लांट सेल सुकड़ने लगती है श्रिंक होने लगती है और वो सेल वॉल को छोड़ देती है ठीक है और द सेल इज सेट टू तो बी प्लाज्मोलाइज ऐसी सेल को हम बोलते हैं द्रव कुंचित बोलते हैं प्लाज्मोलाइज सेल बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्ड द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई lower पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर अब पोटेंशियल water का मूवमेंट है वो क्या हो रहा है बेटा एक्चुअली में जो प्लांट सेल जिसको आपने hypertonic solution में रखा है उसके पास ज्यादा वाटर है तो वाटर अपने अधिक से अपने कम की ओर जा रहा है मतलब मोर water पोटेंशियल से लो वॉटर पोटेंशियल वो मूव कर रहा होता है ठीक है अब देखो

तो नेट फ्लो ऑफ वॉटर टुवर्ड्स इन साइड और आउटसाइड क्या लिखा नेट फ्लो नो नेट फ्लोट जो है कोई वॉटर का अमाउंट बड़ी मात्रा में अंदर या बाहर नहीं आता है पे। के। मतलब बाहर का जो solution है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर के protoplasm के और सेल से ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर रहेगा तो उसको हम आइसोटोनिक solution बोलेंगे के। एंड आर इन इक्म ठीक है? जब वाटर सेल के अंदर आता है या सेल से बाहर निकलता है, सेल अपने आप को में रखते हैं, तो वैसी कंडीशन में प्लांट सेल को हम टर्जिड नहीं बोलते हैं फ्लैसिड बोलते हैं प्लांट सेल टर्जिड कब होती है प्लांट सेल टर्जिड कब होती है जब उसके पास में उसको हम रखते हैं हाइपोटॉनिक सोल्यूशन रखते तब वो टर्जिड होती है ठीक है कब होती है प्लाज्मोलाइज़ जब होती है बेटा जब उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं के और फ्लैसिड कब कहलाती है जब उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी है बिल्कुल दिमाग में डाल लेना इसको के गलती मत करना क्लियर अब एक बात भी मैंने कहा ना आपसे कि जो जो प्लास्मोलिसिस की प्रक्रिया होती है बेटा वो रिवर्सिबल होती है इज यूजली रिवर्सिबल के मतलब यदि हम उस सेल को

अब आगे बात करते हैं कि वॉट इज मीनिंग ऑफ प्रेशर। चल, ये तो बात समझ में एक प्लांट सेल को हमने अंदर एंटर कर रहा है एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है उससे सेंट्रल वेक्यूल का आकार बढ़ रहा है अब जैसे मैंने क्या कहा था मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास में एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है हमारे पास में एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है ठीक है इस बॉक्स में हमने क्या किया हमने एक बलून को डाला हमने गुब्बारे को ठीक है और गुब्बारे को हमने फुलाना शुरू किया गुब्बारा फुला हवा बढ़ते। आप, गुब्बारा फुला गुब्बारा आप हवा रहे हो गुब्बारा पूरा बलून उसमें गुब्बारे का साइज थोड़ा सा और बड़ा हुआ आपने और हवा डाली इसके अंदर ठीक है गुब्बारे का साइज थोड़ा सा और बढ़ गया ठीक है थोड़ा सा और बढ़ गया गुब्बारे का साइज थोड़ा सा और बढ़ गया पूरी वॉल्ट अब ये कार्डबोर्ड का जो बॉक्स था पूरा तन गया है वो क्योंकि अंदर गुब्बारे ने प्रेशर क्रिएट कर दिया ठीक है आपने और हवा डाली अब क्या होगा अब चूंकि गुब्बारा जो है वो जितना फूलना था उतना फूल चुका है अब आसपास कार्डबोर्ड की मजबूत वॉल है तो आपकी कार्डबोर्ड की वॉल तन चुकी है लेकिन अब कार्डबोर्ड की वॉल जो है और हवा आप डालोगे तो गुब्बारा नहीं फूलेगा कारण उसके पीछे ये है कि कार्डबोर्ड की वॉल ने उसको जगह देना बंद कर दिया अब और ऊपर नहीं फूल सकता कार्डबोर्ड के वोर्ट की वॉल पूरी तन चुकी है जितना तनना था तन चुकी इतनी हैिटी थी अब उसके बाद क्या होगा अब गुब्बारे में और हवा आप नहीं डाल सकते ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि एक लेवल के बाद ऐसा होगा कि जो आप हवा भरने से जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे तो गुब्बारे की जो वॉल है वो आपके कार्डबोर्ड की गुब्बारा जो है वो कार्डबोर्ड की वॉल को धका रहा था हटके लेकिन कार्डबोर्ड की वॉल जो है वो स्थिर बनी हुई है इसका मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ऐसा मान लेते हैं कि कार्डबोर्ड की वॉल ने भी एक अपोजिट फोर्स लगाया गुब्बारे पर इसलिए जो स्थिति थी वो बनी हुई है वैसी की वैसी है ना न्यूटन लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है यहां से फोर्स लगाओगे यदि वो स्ट्रक्चर जैसा है कोई चीज यदि स्थिर बनी हुई है या मूव कर रही है तो वो एक्चुअली क्या है उस चीज को वो जो वो आप वो जो चीज है इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर भी क्रिएट कर रही होती है ठीक है तो इसका मतलब अब इसी एग्जाम्पल को हम कैसे प्लांट सेल में यूज करते हैं कि एक प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल है और उस प्लांट सेल को आपने का साइज बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा लेकिन अब सेंट्रल तो सेंट्रल वैक्यूल साइटोप्लाज्म को धकाएगा साइटोप्लाज्म को धकाएगा और सेल वॉल सेल को धकाएगी क्योंकि अंदर दबाव बढ़ रहा है तो अब अंदर दबाव जो बढ़ रहा है ना लगातार वो दबाव जो है क्या कर रहा है वो बाहर धक्का रहा है एंड दैट प्रेशर इज बेसिकली प्रेशर पोटेंशियल के ये जो दबाव है ना ये एक प्रेशर है मैंने कहा ना वॉल्यूम इज लाइक ए प्रेशर वॉल्यूम जो है प्रेशर ही है वॉल्यूम का बढ़ना दबाव ही तो है और क्या है ठीक है क्या हुआ यहां पे हुआ ये कि अंदर आते हुए वाटर ने सेंट्रल वैक्यूल का साइज बढ़ा दिया है सेंट्रल वैक्यूल साइटोप्लाज्म को धका रहा है साइटोप्लाज्म सेल सेलम को धका रहा है सेल सेल वॉल को रही है और सेल वॉल जो है वो जितना खींचना था उतना खींच चुकी है वो तन चुकी है वो ठीक है तो हमने क्या बोला हमने कहा जो सेंट्रल वैक्यूल ने थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो दबाव मैक्सिमम प्रेशर जो सेल वॉल पर लगाया वो है तरगार प्रेशर क्योंकि उससे सेल टर्जेड होगी उससे सेल टर्जिड होगी ये फूल गई है टर्जेड होना मतलब फूल ना ठीक है सेल फूल गई है टर्जिड हो गई इसलिए उसको टरगार प्रेशर बोला इसको हमने ठीक है लेकिन टरगार प्रेशर इतना होने के बावजूद जो है और क्यों नहीं फूल पा रही सेल क्योंकि गई सेलवॉल मजबूत है ठीक है जैसे मैं इस दीवार को खिसकाने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा कि मैं तो पूरी ताकत लगा रहा हूं पर दीवार नहीं खिसक रही है क्योंकि कारण यह है है कि इक्वल एंड फोर्स मेरे ऊपर लगा रही है के। तो उसका मतलब यह हुआ कि सेल ने एक इक्वल एंड प्रेशर लगाया साइटोप्लाज्म की ओर सेंटर वैक्यूल की ओर और, और उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर बोलते हैं क्लियर चलिए देखते हैं व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन प्योर सॉल्वेंट क्लियर कोई डाउट इसमें कोई डाउट नहीं इसके अंदर क्योंकि हमें मालूम है कि प्योर सोलमेंट में रखोगे 100 परसेंट वाटर पार्टिकल होंगे एक को तो के अंदर, अंदर इंटर करेगा. क्योंकि प्रेशर हायर साइड होगा ठीक है बेटा परिणाम स्वरूप क्या होगा वैक्यूल का साइज बढ़ेगा ठीक है और ये प्रोटो को प्रेस करेगा द प्रेशर विथ विच सेल सेप प्रोटोप्लाज्मी है वो दबाव जिसके चलते से, को, के है। उसे हम कहते हैं और टर्गर प्रेशर के कारण ही टर्ज अवस्था बनी रहती है सेलफूल तनी हुई रहती है ठीक है ट्रगार प्रेशर इज द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग देंब्रेन अगेंस्ट दलवॉल्ट सेल वॉल विंग रिजिट सेल वॉल दृढ़ होती है एंड एग्जट एंड इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर ऑन दी प्रोटोप्लास्ट जिसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं दोनों प्रेशर एंड ट्रगार प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर दोनों एक, एक समान अमाउंट के होते हैं पर साइन दोनों का अपोजिट होता है ट्रगार प्रेशर जो है वो पॉजिटिव साइन में होता है धकारा होता है वॉल प्रेशर एक इमेजिनरी प्रेशर प्रेशर है हम जो मान रहे हैं कि जो प्रशर के परिणाम स्वरूप बन रहा है सेल वॉल को आगे और धकने से रोक रहा है तो वो वॉल प्रेशर उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं ठीक है देखिए ना क्या हो रहा है बेटा देखो इसमें इस सेल में को हमने क्या किया इस सेल को हमने प्योर सॉल्वेंट में रखा तो वाटर सेल के अंदर एंटर कर रहा है जिससे सेंट्रल वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ सेंट्रल वैक्यूल जो है सेल वॉल को धका रहा है तरगार प्रेशर बना और तरगार प्रेशर के कारण जो है वो एक इक्वल एंड प्रेशर जो है वो वो सेल वॉल लगा रही उसको हमने क्या बोला उसको हमने वॉल प्रेशर बोला याद रखिएगा यदि ट्रगार प्रेशर नहीं है तो वॉल प्रेशर नहीं हो सकता है यानी ट्रगार प्रेशर का परिणाम स्वरूप ही वॉल प्रेशर बनता है यानी पहले ट्रगार प्रेशर क्रिएट होगा देन ही हम वाटर वॉल प्रेशर की बात हम कर सकते हैं ठीक है एज द अमाउंट ऑफ वॉटर लिविंग द सेल इक्वल टू दिंग द सेल ठीक है, और, है. The the cell, और इस समय जब एक सेल टर्जिट होती है उस समय भी क्या होता है कि जो है वो एक फुलजेड सेल में एक फुली टर्जेड सेल में पूरी तरीके से फुल ही कुशिका में जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही वाटर बाहर निकल जाएगा तो ये क्या होता है उस समय जो है हम कहते हैं क्योंकि उस समय से जो सेल जो है वो कोशिका जो है सेल जो है वो इक्लिब्रियम में होती है ठीक है देखिए ना क्या देखा हमने हमने कहा कि जब एक सेल को हाइपरटोनिक रखा तो प्लाज्मोलिस हुआ हमने उसको आइसोटोनिक में रखा तो फ्लैसिड कंडीशन कहा हमने और जब हाइपोटोनिक में क्या रखा उसको हमने तो वाटर अंदर एंटर हुआ और सेल हो गई टर्जिड ठीक है देखिए अब टर्जिटी का मतलब देखो ये जो सेल है के, ये हम देख रहे हैं दिस इज दी फुली टर्जिट कंडीशन के ये क्या है? ये है फुली टर्जिट कंडीशन के नॉर्मली ठीक है और ये क्या है बेटा ये विल्टिंग या फ्लैसिड कंडीशन के ठीक है जब मोर फ्लैसिडिटी होती है तो विल्टिंग देखने मिलती है मोर दोनों में प्लांट सर्वाइव कर रहा है के, लेकिन पहले में थोड़ा शाम तक थोड़ा वाटर कम हो गया है तो फ्लैश कंडीशन देखने मिल रही है है सेकंड में वाटर कंटेंट प्रॉपर तो देखनेट कंडीशन आपको देखने मिल रही है ठीक है है सेम प्लांट देखिए ना और इज वेरी फिनोमिना क्योंकि तो इससे स्टोमेटा ओपन और क्लोज ये आप देख रहे हैं ओपोर ये क्या है बेटा दीज आर दी बेसिकली स्टोमेटा ये स्टोमेटा है ठीक है ये पेरी में दिखाई पड़ रही है ये होती है गार्ड सेल ठीक है जो पोर दिखाई पड़ रहा है ये पोर होता है के तो स्टोमेटा जो होते हैं ऐसी ओपनिंग होती है जिनसे प्लांट्स प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं पौधों में गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट की एपिडर्मिस पर आपको जो है कुछ डायनामिक ओपनिंग देखने मिलती है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और ये ओपन और क्लोज हो सकती है और इनकी ओपनिंग क्लोजिंग में भी टर्जिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है फेक याद रखिएगा एक प्लाज्मोलाइज सेल में तरगरर प्रेशर जीरो होगा क्यों जीरो होगा बताइए कारण यह है कि प्लाज्मोलाइज सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ चुकी होती है और कांटेक्ट हो चुकी होती है जब छोड़ चुकी है सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को तो क्या बाहर की ओर कोई प्रेशर लगेगा उस पर नहीं लगेगा तो प्लाज्मोलाइज सेल में तरगरर प्रेशर जीरो होगा ठीक है एक फुली टर्जेट सेल में तरगरर प्रेशर

टार प्रेशर और वॉल प्रेशर एनिमल सेल में नहीं होते हैं क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है ठीक है ट्रगार प्रेशर सेल के शेप को मेंटेन रखता है वॉल प्रेशर जो होता है इट इज रिजल्ट ऑफ दी प्रेशर याद रखिएगा कि सेल वॉल के कारण जब आप एक प्लांट सेल को प्योर वाटर में रखते हैं प्योर सॉल्वेंट में रखते हैं तब भी प्लांट सेल फूलकर फटती नहीं है क्योंकि वहां पर एक मजबूत सेल वॉल पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल फूलकर फट जाती है ठीक है अब इसी चीज के बारे में एनसीआरटी में कैसे लिखा है के बारे में देखते हैं वेन दी सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब जिसमें हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सोल्यूशन होता है एस कंपेयर टू दाइटोप्लाज वाटर डिफ्यूज इन टू द सेल वॉटर सेल के अंदर आएगा एंड कॉजिंग दिस साइटोप्लास्ट टू बिल्ट अप ए प्रेशर अगेंस्ट द वॉल के और साइटोप्लास्ट का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट होगा और इसे बोलेंगे हम प्रेशर से क्या बोलेंगे हम ट्रगार बोलेंगे हम ठीक है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल के ध्यान दीजिएगा आपके मतलब ऐसा दबाव प्रेशर जो वाटर के अंदर आने के कारण बनाए में वाटर अंदर आया और प्रोटोप्लाज में फिर जो है वो प्रेशर को क्रिएट वो किया एंड ए प्रोटोप्लाज्म में जब वाटर अंदर आया तो प्रोटोप्लाज का वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम के बढ़ने पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ उसी प्रेशर को क्या बोल रहे हैं बेटा उसे हम बोल रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल बोल रहे हैं ट्रगार प्रेशर बोल रहे हैं मतलब ये है कि ट्रगार प्रेशर ने ट्रगार प्रेशर जो है उसको ही हमने प्रेशर पोटेंशियल के रूप में हमने उससे इंडिकेट किया और उसका सिंबल होता है साई पी क्या होता है साई पी ठीक है, साइप प्रेशर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द रिजिलिटी चूंकि नहीं करती है ठीक है फिर मैंने आपसे लिखा है में. Of of हम जानते हैं कि यह ट्रगार प्रेशर है यही फाइनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के इनलार्जमेंट के लिए सेल के एक्सटेंशन के लिए और सेल के तने हुए अवस्था को बनाए रखने के लिए थीके? और याद रखिए रखिये तर, प्रेशर टर्जिटी जो है टर्जिटी प्लांट सेल के लिए बड़ी जरूरी है जो प्लांट ग्रोथ जो होती है ना उसमें भी जो है वो सेल्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यदि वाटर प्रॉपर नहीं होगा तो सेल टर्जिट नहीं हो पाएंगी तो प्लांट में ग्रोथ भी रुक जाती है ठीक है क्लियर अब क्वेश्चन यह है कि वॉट वुड बी दी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए फ्लैसिड सेल एक सॉरी प्रेशर पोटेंशियल ऑफ ए फ्लैसिड सेल एक फ्लैसिड सेल का प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है सोचिए और विच ऑर्गेनाइज अदर देन प्लांट प्लेस सेलवॉल तो से प्लांट के अलावा बेटा हमें मालूम है ना फंजाई के पास भी जो है वो है फंजाई प्लांट के अलावा जो फंजाई होती हैं उनके पास भी सेलवॉल होती है इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी सेलवॉल होती है ठीक फंजाई और बैक्टीरिया के पास भी सेलवॉल होती है के और याद रखिएगा फ्लैसिड सेल में क्या होता है बेटा फ्लैसिड सेल का प्रेशर पोटेंशियल जो होगा जो होगा हो, वो कितना होगा वो वो ना तो प्लस वैल्यू में होगा ना माइनस वैल्यू में होगा कारण ये है कि सेल का वॉल्यूम फिक्स है वहां पर जितनी वाटर के अंदर एंट्री है उतनी वाटर बाहर निकल रहा है और यहां पर चूंकि सेल आइसोटोनिक सोल्यूशन में है और जब एक सेल आइसोटोनिक सोल्यूशन में होती है तो वो सेंट्रल वैक्यूल का साइज एक निश्चित साइज मेंटेन रहता है वो और अधिक नहीं बढ़ता है मतलब एक पॉजिटिव प्रेशर बाहर की ओर नहीं लगाएगा और चूंकि वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में है तो वैक्यूल का आकार छोटा भी नहीं होगा मतलब नेगेटिव वैल्यू भी नहीं होगी मतलब यहां पर वैल्यू आएगा

तो ये आज हमने क्या देखा आज हमने देखा कि ट्रगार प्रेशर क्या होता है ठीक है

बायोमेट्रिक्स क्लासेज ऑनलाइन ऑनलाइन इज ए वेल स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट जो कि रेगुलरली अपनी क्लास जो है वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है तो ये एक रेगुलर क्लास है कई बच्चों को लगता है हम सब कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी सोच का फर्क है बेटा ये कोचिंग ही है उसके अलावा कुछ नहीं है ठीक है दिस इज कोचिंग फर्क इतना सा है कि जब तक आप दो चार लाख रुपया खर्च ना करें तो कोचिंग वाली फीलिंग नहीं आती है यही एकमात्र इशू है बस ठीक है अदरवाइज कोई इशू नहीं है ठीक है खर्च करके करा चाहते हैं तो दे दीजिए हम लोगों को हम यूज कर लेंगे किसी के लिए ठीक है चलिए तो अभी आपको एकदम गंभीर रहना है सिंसियर रहना है बेटा ठीक है कोई क्लास मिस नहीं करना है फिजियोलॉजी में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कई बार बड़े लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं सारे हमसे बनना चाहिए ऑल द बेस्ट चलिए

वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मतलब क्या है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेल सेप के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा मतलब आंसर आ गया इसका पॉइंट टू फाइव एम इज दी राइट आंसर ठीक है ना सिंपल क्वेश्चन था चलो सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं अब बताओ क्या उत्तर होगा इसका बेटा के सेकेंड क्वेश्चन है वेन ए सेल इज प्लेस्ड इन

तो क्या होगा सिंपल सी बात है कि बेटा मैंने आपको बताया था कि क्या होगा जब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा तो उसमें जो है वो आयोनाइजेशन होगा सोडियम आयन अलग हो जाएगा क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा और वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के समान व्यवहार करेंगे मतलब सोडियम क्लोराइड को जब सोल्यूशन बनाएंगे तो सोडियम एक अलग सॉलिड बन जाएगा क्लोराइड एक अलग सॉलिड बन जाएगा तो वन परसेंट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो होता है वो टू परसेंट के समान व्यवहार करेगा क्यों व्यवहार करेगा ऐसा वो क्योंकि जो है आयोनाइजेशन हो जाएगा जो जो आयन पार्टिकल से वो अलग अलग हो जाएंगे मतलब यह है कि जो सेल

ए सॉल्यूशन ऑफ 1 एम ग्लूकोज डेवलप प्रेशर ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन बार इन के ऑस्मोमीटर में क्या कहा हमने कहा कि ऑस्मोमीटर के अंदर हमने जो है एक सुगर, जो है है एक वो एम ग्लूकोज लिया उसने कहावन बार का जो है वो प्रेशर जनरेट किया तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ठीक है देखो बेटा जब आप कह रहे हो यहां पे एक्चुअली में एक्चुअली में याद रखना है ध्यान रखना हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होता है प्लस में

क्या प्रोड्यूस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता है वैल्यू प्लस में होती है मतलब ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर यदिटी सेवन बार रखा मतलब उसने 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 ऑस्मोटिक पोटेंशियल पोटेंशियल क्या रखा रखा को उसने शो कर रखा है माइनस में वैल्यू उसका प्रेशर याद रखा प्रेशर हमेशा धकाने वाला फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है खींचने वाला फोर्स नेगेटिव होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू वाला, वाला होता है ठीक है तो हमने क्या बोला यदि माइनस ट्वेंटी सेवन बार का प्रेशर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया वो वो हो गया ट्वेंटी सेवन बार हो गया ये राइट है ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस ट्वेंटी सेवन वाले ये भी राइट है और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वही सॉलिड पोटेंशियल होता है तो ये भी राइट हो गया क्या गलत है ये प्रेशर पोटेंशियल जो होता है बाहरी उस पर प्रेशर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल नहीं हो सकता है प्रेशर पोटेंशियल है सोलिड पोटेंशियल से कोई संबंध नहीं है एक सेपरेट प्रॉपर्टी है जो बाहर के दबाव को शो करता है ठीक है ना बेटा क्लियर तो आंसर आ गया थर्ड का स्टेटमेंट सही करेक्ट नहीं है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने इसके बताइए चलिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है फटाफट आंसर दीजिए इसका क्या आंसर होगा इसका और देखो बेटा, जब आप पूरे दस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फोर है ऑस्मोसिस इन्वॉल्व डिफ्यूजन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल देखो पार्टिकल मूव नहीं करता ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल आर दी ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज थ्रू दी सेमी पर ठीक है तो तो ये तो हमने कहा दोनों गलत हो गया अब आंसर क्या मेट के फिर मैंने कहा था ऑस्मोसिस की प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो है वो वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं कहां कहां से बेटा ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं कहां से कहां मूव करते हैं ये मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर ये मूव करते हैं ठीक है ना

कि वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू दी हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में मोर वाटर पार्टिकल पाए जाते हैं क्लियर ठीक है तो हमने लिखा लेस टू मोर कॉन तो ये एक्चुअली ये सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है क्लियर याद रखना बेटा गलती मत करना इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव

डी क्या है इसमें सिंपल सी बात है डी जो है यहां पे जो कि वाटर वॉल्यूम बढ़ रहा है यहां पे मतलब ये यहां पे सॉल्यूशन होगा ये तभी तो वाटर अंदर आएगा देखो यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है यहां पे वाटर का एंट्री कहां से कहां है यहां से वाटर का एंट्री है तब तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है लेवल ऊपर दिख रहा है ना आपको वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वाटर अंदर आ रहा है अंदर आ रहा है मतलब ये सुगर सोल्यूशन होगा ये वाटर प्योर वाटर तो नहीं हो सकता यह ठीक है ना क्लियर फिर बी क्या है बी है डॉट पेन ठीक है सब जगह सेम लिखा हुआ है सी क्या है सी है इनिशियल लेवल और ए क्या है फाइनल लेवल तो आंसर आ गया ए इसका ठीक है ना सिंपल सा लेवलिंग वाला क्वेश्चन है उनका मानना यह कि आपने कभी ऑस्मोस्कोप देखा भी है कि नहीं देखा है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछ लिया सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है ना चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन प्लांट सेल सलाइन 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 ड्रॉप 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 विल के एक प्लांट सेल को हमने में रखा तो क्या क्या होगा सिंपल सी बात है है का मतलब क्या है? कि आपने उसको सॉल्ट तो पर उसका, कम ठीक, उसका अंदर से बाहर निकलेगा साइज उसका कम हो जाएगा ठीक है ठीक फिर ऑस्मोसिस इज नॉट रिलेटेड टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम ऑस्मोसिस इज नॉट रिलेटेड

ठीक है ना तो इसका मतलब जो जाइलम टू जाइलम जो है वो ऑस्मोसिस को आप नहीं देख सकते हैं आप ठीक है ना आंसर आ गया हमारा सीज दी आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन ए सेल व्हेन डिप्ड इन 0.5 एम सुक्रोज सॉल्यूशन जब एक सेल को 0.5 एम सुक्रोज सॉल्यूशन में हमने डिप किया उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसी सेल को हमने पॉइंट एम एनएसएल सॉल्यूशन में डिप किया तो जाहिर सी बात है साइज घटेगा बिल्कुल सही बात के, क्या होगा बेटा साइज घटेगा डिक्रीज इन साइज ये बिल्कुल सही बात होगी लेकिन अब एक और बात है यदि कॉन्सेंट्रेशन में दुगने का अंतर है पॉइंट फाइव एम सुग्रो सॉल्यूशन था इंट फाइव एम एनएसएल मतलब डबल हो जाएगा जो है वो उसके सोडियम पार्टिकल अलग हो जाएगा क्लोराइड पार्टिकल अलग हो जाएगा तो वो वन एम के समान व्यवहार करेगा तो वैसे में सेल से मैग से अधिकतम वाटर बाहर निकलेगा प्लाज्मा का सेल के, के सेल के जो का वाटर कंटेंट अधिक बाहर निकलेगा तो दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ प्लाज्मोलिसिस ठीक है ना तो यहां पर हालांकि जो है आंसर बी भी सही है और आंसर डी भी सही है ठीक डी इज द मोर स्पेसिफिक आंसर डी इज द मोर स्पेसिफिक आंसर और आपको बता दू मैं ऑल इंडिया पीएमटीआ क्वेश्चन है और आंसर की में जो आंसर है वो है

क्योंकि तो देखो कई बार क्या होता है बेटा हमेशा याद रखना कई बार जो है मोर करेक्ट आंसर चुनना होता है कई बार आपको ऐसा मिलेगा नीट में बिल्कुल ऐसा मिलेगा आपको कि एक आधे क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें दोनों दो ऑप्शन होंगे दोनों सही होंगे देन यू हैव टू चूज मोर करेक्ट आंसर मोर करेक्ट आंसर क्लियर ठीक है तो शिकायत मत कीजिए मुझसे कि कौन सा था ये था आपको वो जो दो दिया गया पेपर है उसमें से ही चुनना है आपको थीके? आपकी शिकायत का कोई महत्व नहीं है आपको दिए गए क्वेश्चन में से आंसर को चुनना है बेटा याद रखना ठीक है ना वी प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन ठीक है ना ठीक चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन आगे बढ़ गया मैं क्वेश्चन नंबर ठीक है अब आपको बेटा कॉलम को मैच करना मैच कीजिए चलिए ठीक है देखिए और मैच कीजिए बताइए क्या आएगा आप तो आर्न बनना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन है बताइए डिफ्यूजन इज फ्री मूवमेंट ऑफ आयर्स एंड गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ऑस्मोसिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेमी देंट ये भी सही है हाइड्रोफिलिक शो करते हैं सरफेस पे चिपक जाते हैं वो और पदार्थ फूल जाता है प्लाज्मोलिसिस में प्रोटोप्लाज का स्रिंकेज होता है तो देखो लो क्या आंसर आएगा ए का फोर बी का थ्री सी का वन डी का टू ठीक है आंसर आ गया इसका डेल्टा डी इज द राइट आंसर है ना सारे के सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है तो आज हमने क्या किया बेटा एग्जाम वाले इन टेन क्वेश्चन को हमने यहां पर देखा और ये मैं क्यों करा रहा हूं आपको ताकि आपको थोड़ा सा जो है असाइन टास्क लेक्चर में आपका इंटरेस्ट भी रहे और सीखने के बाद एक बार हम देख ले के हमने क्या सीखा आज के जो सीखा वो उससे हमें क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे ठीक है।, है ना बेटा चलो तो पढ़ते रहो बेटा मेहनत करते रहो ऑल द बेस्ट दी बेस्टमेस्टोन बायोट join us at www.biomentors.online here you can solve daily practice papers an online test you can download performance enhancement sheets you can track your progress you can interact with other fellow commandos join us and prepare yourself it's a commando training for your success download biomentors online app from Google Play Store.